अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार कलेजी। सिंपल सी रेसिपी है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल लिया और इसमें दो दरमियाने साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल किए। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इन्हें फ्राई किया और जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए तो इन्हें निकाल लिया। उसके बाद मैंने पैन में आधा किलो कलेजी ली, इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज इस तरह से चॉप करके शामिल किया। इसके बाद मैंने दो टमाटर लिए, उन्हें पील ऑफ करके इस तरह से चॉप करके इसमें शामिल किया। 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल की। इस स्टेप पे आप हरी मिर्चें भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि नमक ऐड नहीं करना। यहाँ मैंने इसमें आधा ग्लास पानी शामिल किया और इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसे कवर किया और हल्की आंच पे गलने के लिए रख दिया। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इसे चेक किया तो कलेजी बिल्कुल गल चुकी थी। अब जो प्याज फ्राई किए थे वो मैंने पीस के इसमें शामिल किए और जिस ऑयल में प्याज फ्राई किए थे वही ऑयल इसमें शामिल किया। आधा कप दही शामिल की और इसके साथ ही नमक शामिल किया। अच्छी तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद दरमियाने से तेज़ आंच पर कलेजी की बुनाई की। यहाँ मैंने 5-6 मिनट तक कलेजी की बुनाई की। तो जी यहाँ कलेजी ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद तकरीबन 2 चम्मच खुश्क मेथी मैंने इस पर शामिल की। इसे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया। अगेन मिक्स किया और इसके साथ ही बहुत ही मज़ेदार कलेजी बिल्कुल तैयार है। अब गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्चें इस तरह से चॉप की, वो इसमें शामिल की और इसके साथ हरा धनिया शामिल किया। आप इस तरह से कलेजी बनाएं या मैरिनेट करके बनाएं, नमक हमेशा एंड पर शामिल करें क्योंकि इससे कलेजी बहुत सॉफ्ट बनती है। एज यू नो बकरा ईद आ रही है, सो मस्ट ट्राई दिस रेसिपी ऑन ईद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सी यू सून विद अनदर रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।